दामा जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। गिरिपार को एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने के लिए हाटी समिति ने रोनहाट व हरिपुरधार में आयोजित की धन्यवाद रैली। सीएम के करीबी भाजपा नेता बलदेव तोमर का हजारों लोगों ने गर्म जोशी से किया स्वागत। बलदेव तोमर ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए ट्रांसगिरी के अनुसूचित जाति संगठनों के लोगों को भड़काने अथवा गुमराह करने के आरोप। 55 साल पुरानी मांग पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। तोमर ने एसटी स्टेटस से ओबीसी समुदाय को मिलने वाले फायदों पर भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गिरिपाल को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को मंजूरी दिए जाने से उत्साहित हाटी समिति की रोनहाट तथा हरिपुरधार इकाई द्वारा बुधवार को भाजपा नेता बलदेव तोमर की अध्यक्षता में धन्यवाद रैली अथवा बड़े प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के करीबी कहलाने वाले शिराई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर का रोनहाट व हरिपुरधार पहुंचने पर क्षेत्रवासियों द्वारा ट्रेडिशनल स्टाइल में स्वागत किया गया और इस दौरान जमकर उनके व भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। अपने संबोधन में बलदेव तोमर ने कहा कि 55 साल से लंबित अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग गिरिपार की 154 पंचायतों की सबसे बड़ी मांग थी और इसके बाद क्षेत्र में अन्य लगभग सभी मुद्दे गौण अथवा छोटे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 55 सालों में ज्यादातर समय प्रदेश व केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही और कांग्रेस नेताओं ने केवल वोट बैंक के लिए हाटियों की इस मांग का इस्तेमाल कर क्षेत्र की भोली भाली जनता से भावनात्मक खिलवाड़ किया। बलदेव तोमर ने कहा कि हाटी समिति द्वारा शिलाई व संगड़ा में की गई महाखुमड़ियों में जहां दोनों हलकों के कांग्रेस विधायक एसटी स्टेटस की मांग पूरी करवाने के लिए राजनीति तक छोड़ने की बात कह रहे थे, वहीं अब मांग सिरे चढ़ने के बाद इस मामले में अनुसूचित जाति संगठनों तथा सवर्ण तबके के भी कुछ लोगों को गुमराह करने अथवा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बलदेव तोमर ने अपने संबोधन में क्षेत्र के ओबीसी समुदाय को एसटी स्टेटस से मिलने वाले फायदे की जानकारी देते हुए कहा कि कैटेगरी चेंज होने से यदि उनका रिजर्वेशन परसेंटेज कम हो रहा है तो कॉम्पिटिशन भी देश व प्रदेश की बहुत कम आबादी से रह जाएगा। स्वागत समारोह अथवा धन्यवाद रैली में हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी चंद कमल तथा महासचिव कुंदन शास्त्री ने भी 1967 से लंबित मांग को सिरे चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बलदेव तोमर सहित सभी संबंधित भाजपा नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गिरिपार की करीब 160,000 की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस के प्रति गुमराह होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और हाटी समिति इस पूरी आबादी के शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट न बनने तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। बलदेव तोमर ने कहा कि जिला के अनुसूचित जाति वर्ग के कई लोग उनसे एससी आबादी को भी एसटी स्टेटस दिए जाने को लेकर बात कर चुके हैं और आने वाले समय में जिला की करीब 91,000 की दलित आबादी सहित समूचे क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया भी भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से भी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जिनके आशीर्वाद से आज हमारा 55 वर्षों के बाद जो सपना हम लोग अपनी आंखों में देख रहे थे कब ये सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा हुआ। उनका मैं विशेष कर से आज सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सांसद भाई सुरेश कश्यप जी का, पूर्व में रहे सांसद आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी का, उन सबके योगदान से, सबके सहयोग से जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे थे उसमें जो हमको जीत मिली है मैं उनका भी इस मंच से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग हमारे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते इस दुनिया से भी चले। आज मैं इस मंच से उन सबको भी याद करता हूं जिन लोगों का इसमें योगदान रहा है। 1967 में जब हम लोग मांग कर रहे थे 1970 में, उस वक्त हमारे गिरिपार की परिस्थितियां बहुत अलग थी और आज 55 वर्ष के बाद हमारा गिरिपार का क्षेत्र विकास में कहीं आगे चला गया है। उस वक्त ना सड़कें थी, ना अस्पताल थे, ना अन्य कोई संसाधन थे, ना बिजली था, ना पानी था। उस वक्त हम लोगों की जायज डिमांड थी, उस वक्त हम लोगों को जनजाति हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हम लोग क्यों जनजाति नहीं हुए इस बात की भी हमारे नौजवानों को चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग उस वक्त राजनीति के अंदर थे, जो लोग उस वक्त हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन लोगों की सरकारें प्रदेश और देश के अंदर थी, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि हमारा क्षेत्र जनजातीय हो।
क्योंकि उनकी एक सोच रहती है कि अगर कोई ज्यादा पढ़ लिख जाएगा, कोई अच्छी नौकरी में लग जाएगा तो हमारी राजनीति खतरे में आ जाएगी। जैसे ही ये हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हमारे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि अब आरजेई के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब हम जनजातीय होने के बहुत नजदीक। लेकिन उसके बाद एक गिरिपार के अंदर एक राजनीति में परिवर्तन आया। जो लोग माँ कुंभलियों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम चाहते हैं गिरिपार जनजातीय हो, उसके बाद उन लोगों ने अपना मुंह सिल दिया, कोई भी बात नहीं बोलते, उसके बाद चुप हो गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोगों के हितेशी कितने हैं, जिन लोगों को आपने 60-60 साल जीत कर विधानसभा के अंदर भेजे, जब आपके बच्चों के भविष्य की बारी आई तो उन लोगों ने अपना मुंह सील दिया और चुप हो गए। और चुप ही नहीं हुए, पर्दे के पीछे एक और राजनीति उन लोगों ने शुरू कर दी। हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों को भड़काने का काम शुरू किया गया, उनके लिए साधन जुटाए गए, उनको गुमराह किया गया, उनके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई। उनको कहा आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा। पहली बार दो चीजें इसमें होनी है। पहला चरण इसमें था कि आपको शेड्यूल ट्राइब बनाना था, दो चरण होते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने तो दोनों प्रपोजल आपकी भेजी है। मैं आज दो तीन दिन से मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, पर कई प्रकार का भ्रम की स्थिति आ गई। जब मैं परसों से शिमला से आया तो मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ, और तो मैंने शास्त्री जी को बताया भी हमें उतरना पड़ेगा कि जो काम हमने इतने दिन रात मेहनत से किया है, और मीडिया को हम पहले भी बताते थे कि हमारी जो आबादी है बहुत घनी आबादी है और बड़ी रिमोट की आबादी है, आप जो भी स्टेटमेंट दे उससे भ्रमित नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप पहला चरण आपका ये था कि आपको शेड्यूल ट्राइब बनाना था। शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन थी हिमाचल के मंत्रिमंडल की थी, हिमाचल के राज्यपाल की थी, जो हमारा केंद्रीय सेंट्रल जो कमीशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की रिकमेंडेशन थी, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो है ये रजिस्ट्रेशन आपकी की है। उसके बाद ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में गया है, और आप 1,60,000 उन्होंने नोटिफाई कर दिए हैं, और आप जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें हाटी के रूप में आपकी एंट्री होने जा रही है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी होगी, उन्होंने हमारी उससे पहले जो है हिमाचल के जो सेक्रेटरी रेवेन्यू और सेक्रेटरी जो ट्राइबल है उनके साथ भी हमारी विस्तार से मीटिंग हुई है। हम जो है सिर्फ इसी आधार पे नहीं चलते, और आने से पहले हमने सारे दस्तावेज वेरीफाई किए हैं कि हमने लोगों के बीच जाना है। हम तो भी इनके साथ लिखने वाले ज्यादा है हमारा, तो इसमें जो नोटिफिकेशन ये कह रहे हैं, बहुत लोगों से मैंने सुना कि जी ये थोड़ा लाभ मिला है, कुछ एक लोगों को मिला है, इससे भ्रम करने की जरूरत नहीं है। 2,25,000 को जनजाति का सर्टिफिकेट इशू होगा, और ये काम हम 100 पंचायत की जो हमारी हाटी समितियां हैं उनको दे रहे हैं। हमने जहाँ भी हम 57 से ऊपर आए हैं अभी तक, और यहाँ की भी 14 पंचायतें उसमें हैं, यहाँ की जो कमेटी है उनको मैं विशेष रूप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे ये नोटिफिकेशन जो सेक्रेटरी रेवेन्यू से डिप्टी कमिश्नर सरमौर को जाएगी उसमें बाकायदा एंट्री हो रही है, और डीसी सरमौर को उसके बाद उसके ऑर्डर होंगे, और उसके बाद यहाँ पर आएगी हाटी समिति आपके सर्टिफिकेट भी बनाएगी। ये काम हम आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे जो दिल्ली से किया है। तो ये पहला चरण हो गया है, लेकिन हिमाचल सरकार ने तो दोनों आपके जो ऑर्डर है जो रिकमेंडेशन है दोनों भेज दी, शेड्यूल एरिया की भी भेजी है और शेड्यूल टाइप की भी भेजी है। क्योंकि हमें बड़े काम के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली तो ये कि भी आपकी कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, पहली शर्त ये है कागजी कार्रवाई। दूसरी शर्त है कि वो जो बड़ा मुद्दा है वो जन जन की भावनाओं में बैठना चाहिए, जन आंदोलन उसका बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार ये भी देखती है बड़े निर्णय लेते हुए कि जनता भी उससे प्रभावित होगी, या जनता चाहती भी है या नहीं चाहती है।
तीसरा लीडर आपका ऐसा होना चाहिए जो उस मुद्दे को सही ढंग से सरकार के पास पहुंचाए, प्रभावी ढंग से पहुंचाए। ये तीनों काम हमारे ऐसे हुए हैं और तीनों काम बड़े ऐतिहासिक ढंग से हुए हैं।